मैं सदाकत में तेरा दीदार हासिल करूँगा और जागते हुए तेरे हजूर से होगा। बाप और बेटे और रूह-ए-कुदस के नाम से आमीन। हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह-ए-कुदस की रफाकत और शराफत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, आज हम पापा कलीसिया के साथ मिलकर साथ इतवार में 15वें इतवार की इबादत में शामिल है और आज की तलावत एक बार फिर से हमें मौका देती है कि हम खुदा की मोहब्बत इंसानों में देख सकें। इंसानों से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है, क्योंकि इंसान के इस धरती पर खुदा का नायक कहलाने के लायक है। जब हम इंसानों की खिदमत करते हैं, जब इंसानों की मदद और मांग करते हैं, तो हमें खुदा नजर आता है। और मदर टीसा ये अक्सर ये बात कहती थी कि मुझे हर बच्चे में यीशु नजर आता है। तो आए दुखी इंसानों में यीशु को देखें, परेशान इंसान में यीशु को देखे, ताकि हकीकी तौर पर जिंदा यीशु के जलाल को एक दूसरे पर अदा करें। आइए इबादत के आकाश में हम अपने मगाज में कहीं करार करें, उन वक्तों लम्हों को याद करें जिसमें रहते हुए हमने खुदा की नज़र में और एक दूसरे की नज़र में गुनाह किए हैं। आए खुदा से और एक दूसरे से माफ मांगें, ताकि लाइक वाजिब तौर पर हम आज की पाकवास के दस गुरबारी में शामिल हुए। मैं कादर के खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने प्यारा बातों काम ने जबरदस्त बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं हर समय हमेशा कमाए सफरिशों और मुकदसों और आप सबसे तबाश करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कार्यमुखली खुदा परम परवाई हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आसमां पर बेटे आ
अजीम कदूस के ख़ानदान के लिए मेहरबान जिंदा खुदा उनके सारे शुक्रगुजार को कबूल फरमाए। तमाम मरहूम ईमानदार के लिए दुआ करके दुआ करके पॉल पैट्रिक के खान लिए लोविसा पॉल रोबर आमर के लिए मेहरबान जिंदा खुदा इनकी बशी कमजोरी को माफ़ करें, इन्हें मुकद्दस के घरों में शामिल करें। दुआ भी करेंगे सेहत व तंदुरुस्ती के लिए लीला आमर अशाम राय के लिए कि मेरे पास जिंदा खुदा इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता करें। हम दुआ मांगे मेरे पास खुदा तो गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वे फिर सही रास्ते पर आ सकें। उन सबको जो मसीह का नाम लेते हैं ताकर कि उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें तरह करके मुआफिक बातों को अमल में लाए। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस के मदारिक में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। कलमा तेरे बहुत नज़दीक है ताकि तू उस पर अमल करे। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्मिया शरा की किताब उसका 30वां बाब उसकी 10वीं से 14वीं आयतें मुकद्दसा कर। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उसके अहकाम और कवानीन को जो इस शरीयत की किताब में लिखे गए हैं माने और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि ये हुक्म जिसकी बाबत आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ तेरी ताकत से बाहर नहीं और ना तुझसे बाहर है। वो आसमान में नहीं कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समंदर के पार है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए समंदर के पार जाएगा और उसे हमारे पास लाएगा और हमें सुनाएगा ताकि हम उस पर अमल करें। पर कलमा तेरे बहुत नज़दीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। कलामे पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मुकद्दस परूस रसूल का कल कुलीसियों के नाम पहला बार
की सयात। ऐ भाइयों, मसीह यीशु नामदीद खुदा की सूरत है और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी ने सब चीज़ें क्या आसमान में क्या जमीन पर क्या दीदनी क्या नादीदनी खल्क की गई, अरूश से आदते रियासतें हुकूमतें सब चीज़ें उसी से और उसी के लिए खल्क हुई, और वो सब चीज़ों से पहले है और सब चीज़ें उसी में कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से पलौटा, ताकि सब चीज़ों में वही अव्वल हो, क्योंकि रजा खुदा यही थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे और उसकी सलीब के खून के जरिए से सुलह करके सब चीज़ें उसी के वसीले से अपने साथ मिला लें, ख्वा जमीन पर हो ख्वा आसमान पर। पाकलाम के पड़े और सुनी सलीब पर खुदा की बरकत हो। उसके दसवें बाप में और उसकी पहन 25 से 37 था। एक दिन एक आदमी बिका उठा और ये कहकर यीशु की आजमाइश की, क्या साथ मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उसे कहा, शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी माने प्यार कर। उसने उसे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। और उसने ये जाकर अपने आप को राजपाल ठहराए, यीशु से कहा, मेरा हमसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा, एक शख्स यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे धूप कर जख्मी किया और अजमुआ चोट पर चले गए। अतफाकन एक काहिन शहर से गुजरा और उसको देखा और कतराकर चला गया। उसी तरह एक लाठी ने भी आकर उस जगह आकर उसे देखा और कतराकर चला गया। फिर एक सामने मुसाफर सफर करते हुए वहां आ निकला और उसको देख
उसके जख्म होते और मैं दफ्तर लौटा और अपने जानवर पर बैठाकर सराय में ले गया, उसकी खबर की। और दूसरे दिन दो दिनार निकाल कर सरदारी को दी और कहा इसकी खबर भी निकाल और जो कुछ इससे ज्यादा कर चुका मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन दिनों में से उसका जो डाकू में जा पड़ा था तो किसको हमसाया समझता है। उसने उसे कहा उसको जिसने उस पर बैन दिया। तब यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। जीवन मुकदस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। मसीह खुदा मेरे अजीज भाइयों बहनों चाहे बच्चों बुजुर्गों, आज हम बड़ी खुशी और शादमानी के साथ खुदा के घर में आए हैं ताकि कलाम मुकद्दस की रोशनी में अपनी जिंदगी को संवार सके और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को उसके कलाम के मुताबिक डाल सके। आज की पहली तलावत हमने दसवीं शादी की किताब में से सुनी है जिसमें उन गुजारों के बारे में उन हुकुमों के बारे में जो खुदा अपने लोगों को देता है वो हम सुनते हैं। आज की तलावत में भी हम वही हुक्म सुनते हैं कि खुदा जब हुक्म देता है तो हम नींद देता है इसराइल को तो वो दस पांच हुक्म इसराइल को अदा करता है और इसराइल के जो रब्बी है उन्होंने दस हुक्मों को 610 में बदल दिया था जिनमें 325 हुक्म ममनू थे, मना किए गए थे। तू ये ना कर, अगर तू ऐसा करता है तो तेरे लिए ये सजा होगी। और यहाँ पे आज जो पहली बार जो पहला हुक्म खुदा इसराइल को जब आज की तरह पढ़ते तो में लिखा है क्योंकि ये हुक्म जिसकी बात आज के दिन मैं तुझे फरमा देता हूँ तेरे ताकत से बाहर हम ना तुझसे कहें वो आसमान में नहीं तो कहेंगे कौन है हमारे लिए आसमान पर चढ़ेगा और क्या है कि तो अपने सारे दिल से अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से खुदा को प्यार। खुदा इंसानों को वो हुक्म देता है जो इंसान कर सकते हैं। कोई ऐसा हुक्म नाजर नहीं हुआ, कोई ऐसा हुक्म दिया नहीं गया जो इंसान के हिसाब से बाहर हो, यदि इंसान कह सके मैं ये काम नहीं कर सकता। हमेशा खुदा जब भी कोई भी हुक्म देता है खुदा तो वो इस तरह से देता है कि इंसान उन हुक्मों को इजीली जो है वो अदा कर सके। यहाँ पे कब कौन हमारे आसमान पर चढ़ेगा, कौन वो ऐसे हुक्म खुदा करता है मैं तुझे वो फरमा देता हूँ जो तेरी ताकत से बाहर था। यानी दुनिया में जितने भी हम काम करते हैं या कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो हमें कहा जाता है वो हमारी ताकत से बाहर नहीं है। और खुदा कभी भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दे रहा जो इंसानों की इस्तात इंसानों की ताकत और इंसानों की सोच से बाहर है। और जब जब हम खुदा के कलमे पर ईमान रखते हैं उसे कबूल करते हैं उसकी गुरबत पे को हासिल करने के लिए उनके पर अमल करते हैं तो फिर डेफिनेटली खुदा की बरकतें खुदा कर रहे हैं खुदा का फजल और खुदा की बरकत हमारे लिए अब जो बात है जारी सारी रहते हैं। मुकद्दस पालों से सुन आज की दूसरी तलावत में कुर्सियों के रफात में अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो जब मुकद्दस पालों से सुन कुर्सियों को खत लिख रहा है तो तब मुकद्दस पालूस खुद जो है वो जेल में है, कैद में है और जो कुलसु की कलीसिया है उनमें ईमान में परेशानियों का सामना कर रही है, ईमान में डगमगा रही है, ईमान में भुनकर हो रही है, भटक रही है। तो मुकद्दस पालूस को जब ये पता चलता है कि इस कलीसिया में आज ये बिंदते जो है
वो सर उठा लिया, तुमको जब पालो इमीडिएटली जो है उन्हें एक हाथ दिखता है और हाथ पे बताता है तुम्हें वहां पे पुलिसियों की पुलिसिया में उस वक्त ये हो रहा था, एक नया ट्रेडिशन एक नई रवाया जो उनमें जन्म ले रही थी कि यीशु मसीह के साथ रूहों की प्रसन्न करने की जरूरत है, रूहों को भी सताइश करने की जरूरत है, रूहों का भी इकरार करने की जरूरत है। यदि दूसरे जैसे पुराने आक्रम में हम देखते हैं जादूगर पारंगीर उनमें ये हिद्दते जो है वो आना शुरू हो गए और जब मुकदस पालू से सुन को इस बात की खबर मिलती है पता चलता है तो वो देर किए बगैर उन्हें बताता चाहता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो असल से अब बताता है। जब कोई चीज भी तख्लीक नहीं की गई थी तो वो पहले से मौजूद रखता है और तमाम हुकूमतें तमाम चीजें उसी के बताता है, इसलिए उसके अलावा कोई खुदा नहीं, उसके अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और की सिफत में जाना, किसी और के पीछे जाना ये गलत कदम होगा। जब ये सारी बातें कलीसिया तक पहुंचती है तो फिर वो समझना शुरू कर देते हैं कि यीशु मसीह के अलावा कोई और निजात नहीं दे सकता। वो उन्हें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि खुदा यीशु मसीह जो है वही तमाम रियासतों और हुकूमतों और आसमान और जमीन का खुदा है, वो भी निजात देता है, वो भी जिंदगी देता है, वो उसी ने अपने आप को कुर्बान करकर हमें खरीद लिया है ताकि सब चीजें जो है उसी के वसीले से जो है वो पैदा की गई। और जब ये सवाल ये जवाब कलीसिया को खत की सूरत में मिलता है तो फिर कलीसिया जो है वो जब दोबारा से हौसला आता है, वो हिम्मत करते हैं, वो जान जाते हैं कि यीशु मसीह के अलावा कोई और नजात देता है, यीशु मसीह के अलावा कोई और नजात नहीं दे सकता। तो आज की अंजील मुकदस में जो हमने मुकदस लूका रसूल की बात पर लिखी गई अंजील मुकदस में से सुना है, मुकदस लूका जब भी लिखता है उसके जो पीछे में फिगर है वो पिसे हुए लोग हैं, रद्द किए हुए लोग हैं, दबकाए हुए लोग हैं, जिन्हें लोग रद्द कर देते हैं। मुकदस लूका जो है वो पिसे हुए लोगों को, रद्द किए हुए लोगों को, जिनका माशी में मुकाम हो गया उन्हें मुकाम दिलाने की बात करता है। जैसे यीशु के पदार्थ पर लड़ियों को पैगाम दे रहे जिन्हें धुकारा जाता था, रद्द किया जाता था, पीछे हटा दिया जाता था, यीशु मुकदस लूका जो है अपने जिले मुकदस में उन लोगों को नुमाया करदार के तौर पर सामने लाता है। जैसे आज की जिले मुकदस में सामरी, सामरी एक ऐसा फिरका जो गैर पापों से जैसे कि ये भी यहूदियों का फिरका है, ये भी यहूदी थे लेकिन उन लोगों ने गैर पापों के साथ गैर मजहब के साथ जब शादी कर ली तो इस फिरके को जो नाश किया गया वो सामरी था। अब सामरियों का फिरका जो है वो गैर कौमों के साथ गैर मजहब के साथ शादी करने के बाद यहूदी ये समझते थे अब ये नापाक हो गया है, जब इन्होंने गैर कौमों को अपनी जिंदगी में इसलिए उन्हें वो नापाक नसीहत से समझते और यही समझते थे कि सामरी लफ्ज का इस्तेमाल करना भी ऐसे जैसे हमारा जुबान होगा। और अब आज की तफसीर मुकदमे हैं, तफसीर का जायजा लेते हैं जिसमें एक आलम फिका है जो कानून तार है, लॉयर है, तारीख को अच्छी तरीके से जानता है, कानून को अच्छी तरीके से जानता है, शरीयत को जानता है और वो आकर यीशु से एक आजमाइश करना चाहता है, यीशु को आजमाना चाहता है और सवाल क्या करता है, यीशु से आजमाइश करते हुए एहसान में क्या करूँ हमेशा की जिंदगी का वारिस है, हमेशा की जिंदगी को वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है अपना जिंदगी। और जब यीशु से वो ये सवाल करता है तो यीशु उसे ही उसके सवाल में एक
एक और सवाल कर लेते हैं कि शरीयत पे क्या क्या है, शरीयत क्या कहती है कि तू क्या करे, किस तरह से जिंदगी को गुजारे, क्या चीज तुझे अपनाने की जरूरत है, कौन से ऐसे वो हर बात है जो तुझे अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। और जब वो कहता है कि शरीयत में ये लिखा है तो अपने सारे दिल, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसायों को अपनी माने प्यार कर। ये दो हुक्म जो है जब हम दसवीं शरह की किताब लिखते हैं तो उसे पढ़ते हैं तो वहां पे उसे दो अलहदा अलहदा जगहों पर लिखा होगा, उसकी आयतें भी ना, लेकिन यहाँ पे जीवन मुकदस में दोनों हुक्मों को इकट्ठा जोड़ देगा। पहले नंबर पे खुदा वो उसे यीशु से बताना चाहता कि क्या है कि जब इंसान खुदा से पूरे दिल से प्यार करता, खुदा की तरफ तवज्जो करता, खुदा पर यकीन रखता, खुदा पर भरोसा रखता है, यानी अपने पूरे दिल से मुकम्मल तौर पर भरोसा रखता है तो खुदा पर इंसान जो है वो अक्सर जगा देता है, छोड़ जाता है, तन्हाई में छोड़ जाता है, लेकिन खुदा पर भरोसा रखने वाले, खुदा पर यकीन रखने वाले, खुदा की बातों को कबूल करने वाले वो जिंदगी में कभी नहीं घबरा कर सकता, उनके जिंदगी में परेशानियां भी आए तो खुदा हमेशा उनके साथ है, उनका भरोसा, उनका ईमान, उनका यकीन पुख्ता खुदा पर है। और अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अमल से, यानी इसमें शरीयत की अमलदारी में पूरी तौर पर खुदा पर भरोसा रखना, मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा रखना ही हमारी जिंदगी की पहचान है और हमें खुदा की तरफ ले जाती है। और जब वो ये जवाब देता है तो बात ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया, ठीक ठाक जवाब दिया। और फिर उसे कहता है क्योंकि वो आदमी अपने आप को ये साबित करना चाहे कि मैं बात समाज हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, मैं जिंदगी में जो है मैंने अच्छा हिस्सा चुन लिया। अब यहाँ पे फिर वो यीशु से उसी सवाल में यीशु को फंसाने के लिए कहता है कि मेरा हमसाया कौन है, कौन है जिसे मैं कर चुकी हूँ मेरा हमसाया, हम और साया, हम साया, अगर इसे तोड़ दिया जाए लफ्ज को हमसाया को तो हम साया, मेरे जैसा जैसा साया, हम साया। अब वो यीशु से कहता है मेरा हमसाया कौन है, इस पर यीशु एक कहानी चला। अब कहानी क्या है कि एक बंदा जरू की राह जा रहा है, जरू का जो रास्ता है ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है, यरूशलम से जरू का रास्ता, और इस रास्ते में खतरनाक रास्ता कहा जा सकता है, डाकुओं की खो कहा जा सकता है, चोरों और लुटेरों का अड्डा कहा जा सकता है इस रास्ते को, कि जहां पे बहुत अपा बहुत सारे लोग जो है वो लूटे जाते हैं। और इस रास्ते में जब भी वो सफर करता था तो वो सफर अकेले नहीं, तन्हा नहीं करते थे, बल्कि काफिरों की सूरत में करते थे, इकट्ठे सफर करते थे ताकि उन्हें कोई डाकू या चोर नुकसान ना दे सके। अब यहाँ पे इस रास्ते में जो है कहानी में बताया जाता है कि इंसान गुजर रहा है, जो होती है और वो क्या है कि वहां से गुजर रहा है तो क्या देखता है कि चोरों ने उसे पकड़ा मारा, धुआं छोड़कर चले गए और उसका सब कुछ लूट लिया। और जब वो सारा कुछ लेकर चले गए तो उसके बाद धुआं छोड़ गए, उसके बाद एक काहिन गुजरता है। काहिन जो है अगर मुर्दा को हाथ लगा लेता या कोड़ी को हाथ लगाता तो वो 7 दिन तक ना पा, उनकी इस तरह का अनुमान के लिए भेजे काफी थी। इसे काहिन जब देखता है कि ये अथवा जब क्या है आज मरा हुआ, अगर मैं इसे हाथ लगा देता तो मैं ना पा गया, मैं वो रिचुअल यानी मैं कुर्बानी नहीं दे सकता जब तक मैं पाकीज़गी के अमल में से गुजरूं, जब तक मैं अपने आप को पाक साफ ना करूं मैं दोबारा से रिचुअल जो है जो कुर्बानी मैंने गुजरा दी वो नहीं गुजरा सकता। तो वो ये सोचता था चलो मैं हो सकता, उसके बाद एक और आता है नाभी आता है वो भी होती है
उसको पता भी है कि ये यहूदी है, वो भी ये सोचकर वो कहता मुझे क्या किसी के काम से काम लेना, मैं अपने काम अपने रास्ते को सीधा करता हूँ, वो भी गुजर जाता है। और अब वहां से सामने आ रहा है और सामने जब देखता है कि एक यहूदी जो अटुआ और पड़ा हुआ है, क्योंकि सामने को पता था मुझे तो मैं पाप करते हैं, मुझे तो आ रही यहूदी लोग क्या भाई कर देते यहूदियों के, तो मैं सामने ना पाप है, तो मैं तो पहले ही नपाक हूं, कोई बात नहीं, अगर मैं इससे नपाक हो भी जाऊँ तो मुझे कोई फर्क नहीं। अब उसे छूता है, उसे हाथ लगा देता है। मेरे जिसको जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं तो वो कोढ़ियों को छूता है, उसके हाथ रखने से बीमार नहीं हो जाते हैं, उसके छूने से लोग से पाप आ जाते हैं, उसके कपड़े को टच करने से लोग से पाप आ जाते हैं, क्योंकि वो कुदरत का खुदा है। उसे छूने से, उसे देखने से, उसके पास आने से लोग शिफा पाते हैं। मौजूदा अपाया से वो प्राचीन एक बार ऐसे रस्ते में से गुजर रहे थे, कुछ बीमार उसके पास आए, और एक बीमार ऐसा था जिसका सारे बदन में नस जैसे फिंसी एक भी हो गया, और पापाया से भुगते हैं और उसे उसके बेशक सारे नस में फिंसी निकल गया, दाढ़ी निकले हुए एक लोग भी वो सारे वो इस बात के परेशान नहीं है, इसे बीमारी है, बल्कि वो ये समझ गया कि मैं यीशु की जगह पे हूँ, मैं यीशु का नायक हूँ, मैं यीशु की तरह लोगों को प्यार करूंगा। तब उसे छू देगा, उसे बगैर इसके दाहर के बगैर कुछ देख के बारे उसके सर पर मेरे शिशु, इसी तरह यीशु भी वो ये नहीं देखता था कि ये कोढ़ी है ना पाप है, इसे छूने के बाद 7 दिन तक मैं ना पाप रहूंगा, बल्कि वो जैसे ही छूता तो वो ना पाप जो भी वो पाप सा खुदा भी सिद्ध पाई जाती है कि वो जहां पे भी उतरे ना पाप को भी वो पाप कर सकता है। सरकार ये बता जो सामरी है वो यहूदी को इसे छू रहा है जो अपने आप को अलग काम देते हैं, जो अपने आप वो उसे जैसे ही पहले ही देखते हैं कि मदद का राजा एक बार हम भी जो है बीमार है उनकी याद होती है, उनकी जब हमें पता चलता तो बात जब बीमार है हम उसकी याद होती रहते हैं, तो सीधा बात है जो गिरे हुए इंसान जो पस्ती का निशान थे यीशु उनके पास आता है। और यहाँ पे भी मुकदस रुका जो है ये अधूरे शब्द की बात कर रहा था और सामने जो बिल्कुल राज किया वो उसकी मदद के लिए आ जाता है। अब वो क्या करता है उसके जख्मों को देख लेता है, उसे बांटता है और फिर अपने जानवर पर जिसमें वो खुद बैठा हुआ था जिसे वो खुद लेके जा रहा अब क्या करता है वो खुद नीचे उतर आता है उसे उस पर बैठा अपनी सवारी उसके अपने मकसद के लिए थी जो वो अपने लिए लेके जा रहा था लेकिन वो सवारी को भी छोड़ देता मदद की नियत से मदद के इरादे से अपने आप को दोबारा वकील बना लेता उसे ऊपर सवार कर आओ फिर उसे बेटा उसके पास लेके जाता है। पहले खुद उसके जख्मों पर तेल लगाता है इस वजह खून आ रहा है। वहां भी क्या है जब उसे छूता है तेल लगाता है मैल लगाता है और फिर उसे उस पर बैठाता है अपने जानवर पर बैठाकर शराब देता है। उस जगह पे जैसे पुराने मिशनरी कहा जाता है एक किताब में मैंने एक कहानी पढ़ी तो कोई फादर जी थे एक प्राचीन राज थे तो मिशनरी थे तो वो दुआ करते थे पाकवासी तो दुआ करते थे और एक कथा की भी गिर गई उसे हार्ट अटैक तो पादर जी ने क्या किया पहले जाकर उसे प्रसवता दाखिल करवाया और बाद में आकर वो इंसानियत की बला इंसानियत को बचाना और खुदा यीशु मसीह का
इस धरती पर आने का जो मकसद था वो इंसानियत की बड़ा किसी कबीले के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी जात पात के लिए नहीं, बल्कि वो सारी कौमों के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। अब ये इंसान जो है उसे लेके जाता है, उसकी खबरगिरी करता है और फिर दो दिनार बटा यानी उसको पता है डाकू ने जैसे हमको छोड़ा है उसका सब कुछ ले गया, ये तेल बनता है उसके जख्मों को और मैं बनता है जख्मों को पहले सत्तर साल, उसके बाद दूसरे नंबर पर अपने जानवर पर बैठाता है, तीसरे नंबर पर उसे उस जगह पे लेकर जाता है जहां पे अच्छे तरीके से हिफाजत हो सके। मतलब जैसे एक या डॉक्टर आए उसके पास लेकर जाता है उसकी मरहम पट्टी कर सके और फिर चौथे नंबर पर अपना आप खर्च करना अपना आप देता जो उसके पास जो मटीरियल है कैसे है वो भी देता करता है इसका इलाज कर और अगर कुछ और चाहिए और भी वाजिब हो तो मैं तुम्हें वो भी मेरे से तो इस धरती पर सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसान होता है। आज भी अगर देखा जाए पूरी दुनिया में ईमानदार की जो बात करा जैसे पाकिस्तान में भी मजहब वीजा की सिस्टम था दारुसकून की सिस्टम था चैरिटी ऑफ जो वर्ल्ड की सिस्टम था वो इंसानियत की बनाई गई, वो लोग जो जहनी मजदूर है हमारी जो बहनी है नाम चुड़ा उनकी खिदमत कर रही है इंसानियत की भलाई के लिए इंसानियत की भलाई और फला के लिए दूसरों की मदद कर रहा है। यीशु का इस धरती पर आना भी इंसानियत को बचाना है, इंसानियत को उनके गुनाहों से रहाई दिलाना है और हमारे जितने भी विषय रह जाए वो हमेशा इंसान को रहता है, इंसानों को यीशु के पास ले कर आए और शरीरों में भी किया और आज भी हमारे ईमानदार बेटे और बेटे आज भी कैथोलिक चर्च यूनिवर्सल चर्च वो पूरी दुनिया में अपने जगहों पर जो है इंसानों की भलाई और इंसानों की फलाह के लिए काम कर रही है। ऐसे मदर टेरेसा कहती है कि जब उसे पूछा जाता है कि आपको पूछता है तो मदर टेरेसा को कहता है कि जितने भी बच्चे गंदे हो लिपड़े हो कीचड़ लगाओ जब भी तुझे देखकर मेरे पास आ जाते हैं और तुझे कभी परवाह नहीं की तेरे कपड़े गंदे हो जाए तो मदर टेरेसा पता क्या जवाब देती है कि मुझे इन बच्चों में यीशु आज हम भी हर इंसान में यीशु को देखना शुरू कर दे हर इंसान में यीशु को महसूस करना शुरू कर दे तो मेरे जीजो दुनिया में तफरके खत्म हो जाए झूठ खत्म हो जाए लड़ाइयाँ खत्म हो जाए फसादात खत्म हो जाए दुनिया में अब और शांति हो जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान में यीशु बसा है। पालू से सुन जाता है कि रूह खुदा तुम्हें बचाऊंगा खुदा का रूह तुम्हें बचाऊंगा और जब हर इंसान को खुदा करूंगा तो फिर हमें हर इंसान को प्यार करना है। अब जब उससे सवाल किया जाता है जो आलम फिका जो अपने आप को उस्ताद है लॉयर है वो जब यीशु के पास आता है तो जब उससे सवाल किया जाता है कि तेरी नजर में तो उसका हम साया करना तो फिर भी क्योंकि वो जो बुद्धि है आलम फिका है अपने आप को आला समझता है वो फिर भी सामरी का लफ्ज अपने जुबान से नहीं निकालता बल्कि क्या कहता है उसने जिस पर रहम वो उसका गुस्सा है जिसने उस पर रहम तो यीशु कहते हैं तब यीशु ने उसे कहा जा तू भी ऐसा कर तो यीशु आज हम सब से भी बहुत है आज वो हम सब से कह रहा है कि जा तू भी ऐसा कर यानी इंसानियत की खिदमत कर इंसानियत को बनाई के लिए काम कर इंसानों की जिंदगी को बचाने के लिए काम कर इंसानों की तब्दीली के लिए बात कर इंसानों को जिंदगी देने की बात कर इंसानों की रहनुमाई करने की बात कर इंसानों को छाई इस सोच देने की बात कर इंसानों में अमन लाने की बात कर इंसानों में मोहब्बत लाने की बात कर इंसानों में भलाई लाने की बात कर। अब जब हम भी यीशु के चगेत है यीशु के हवाली है और जब भी पाकवास की बात खत्म होती है जब काहे हमें भेजता तो यीशु को यही बात के साथ भेजा जा तू भी ऐसा जो गुलाम भेजता तू भी उस पर अमल कर फिर यीशु अमल करने से जो है उसे जैसे वो
और याकूब रसूल कहता है ईमान बगैर अमल के होता है। जब हम अमल करते हैं, जब हमें यह पता है कि हर इंसान में यीशु रहता है, तो फिर हम दुनिया के किसी इंसान को बुरा फिर सारे ही हमारे व्यवसाय है। फिर ये नहीं होगा अच्छा फलाने जगह युग के पास फलाना रहता नहीं, बल्कि फिर क्या होगा कि युग का पूरी इंसानियत का उसका हमसाय है और युग इंसानियत की भलाई के लिए काम करेगा, इंसानों को बेचारों की मांग करेगा, इंसानों को जिंदगी के लिए मांग करेगा। और यीशु कहता है मैं आया हूँ वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी पा लिया तो फिर हमें यीशु के जा और तू भी ऐसे सो आज खुदा का कलाम हमें भी ना होती है, हमें भी बुला रहा ताकि हम इंसानियत की भलाई के लिए मजबूर मिले फिरकों में नहीं कौमों में नहीं बल्कि यकसा हो इकट्ठे होकर कई मकसद के लिए काम करें। और मकसद क्या है? इंसानियत को इंसानियत की भलाई इंसानियत का इंसान। डॉक्टर सिस्टर रूथ फार्म क्या किया कि वो कोरियो के मरीजों को पाकिस्तान में रहते हुए कोर के मरीजों को उनकी से काम करते हैं। उसने भी वो अक्सर कहता था कि सबसे बड़ा मदद क्या वो इंसान जब इंसान की भलाई करेगा। बड़े बड़े मुकदसी बड़े बड़े मुफक्रीन जो है जब इंसानों की बात करते हैं इंसान सबसे बड़ा आए आज से हम भी तमाम इंसानों को बचाने के लिए बात करें, इंसानों की भलाई के लिए बात करें ताकि खुदा हमारी जिंदगी हमें हिफाजत दे ताकि हम इंसानों को बचा कर हमेशा की जिंदगी के बाद जिसे खुदा खुदा हमारी पनाह ताकत और तमाम शब्द के शीर्ष
रिक्लिसिया तो दुआएं पड़ी के तो सरकार को साथ मान तो विषय को भूल कर बख्श से उनका सर हम तक पहुंचे में से उताव के वे से हिस्से मेरे बाप दुआ तो कर दूस है
पाप है और हर पाप की तुझ ही से आती है, हमारे और अपने कलीसिया की दुआएं कबूल कर। पापों को भेज ताकि ये नजरान पाप को दुबारी और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन और खून के लिए तैयार होकर अपने आप के खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी दो और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाए। और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में इनके खून का प्याला है जो तुम्हारे में से बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ करने बाहर जाएगा। याद नहीं हमारे ईमान का भेद। खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक के तू ना आए। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीवन को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात को प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे क्या मसीह का वजन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में बने और साथ हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सफातों को याद कर तमाम दुनिया में फैली हुई है उसे कामल मोहब्बत अदा फरमा। हमारे भाई और बहनों को भी नजर कर जो जीवन की उम्मीद रखते हुए सो गए, निज तमामों को याद कर उनका अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो सभी न करते हम सब पर कर ताकि खुदा की मुबारक माँ का बारी बड़ी हो उसका नहाय पाशर हजरत यूसुफ मुबारक सुन लो और उन सब मुकदसों के साथ जो जहान में तेरी मजे पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए उसी के साथ उसे तुझका दम अपने को दबाव को रूह कुदस की बदान कामल इज्जत और ताजी के शान में हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजाते वाले से दाल पाप को कामल ईमान और भरोसे के साथ वही दुआ करें जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज भी दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। तो खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब अधे से बचा इंद्र में सलामती पाओ ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। अब खुदा से तुमने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती पहुँचाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों अपने बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नजर कर उसे वो सलामती तहार करो जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे दूसरे की सलामती।
ऐसे पिता के बदले तुझे हम के गुनाहों को खाया जाता है हम पर अहंकार ऐ खुदा के बदले तुझे हम के गुनाहों को खाया जाता है हम पर अहंकार ऐ खुदा के बदले तुझे हम के गुनाहों को खाया जाता है हमें सलामती अनाज कर मेरे सिस्टर ये है खुदा को बन रहा हमारे नजात पिता खुदा यीशु जो जहान के गुनाहों को उठाया जाता है क्या हम मुबारक हम सब जो बड़े के पाप ज़ियाफ़त में बुलाए गए ऐ खुदा मैं साइन नहीं कि तू मेरे भाई लेकिन सिर्फ कहीं है तो मेरी दूसरी बात आएगी झुकाए
अजीज मोमिनी ज़ियारते मक्का मा मरियम मरियमाबाद में रोज़मर्रा की जो बात नमाज है जो सुबह के वक्त खुदा के हुज़ूर गुजरानी जाती है उसका वक्त सुबह 5:30 बजे का है। इतवार की पहली बात नमाज 6:30 बजे और दूसरी बात नमाज 8:30 बजे खुदा के हुज़ूर गुजरानी जाती है। आप सभी इन इबादात में शरीक होकर खुदा से रहमतें बरकतें और उसके फ़ज़ाइल हासिल करें। स्कूल के जितने भी बच्चे हैं खासतौर पर प्री नाइन टेंथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक हैं वो बड़ा मेहरबानी बाबा जी को अपने नाम लिखवाएँ ताकि उनके नाम जो है जो तलाबते हैं वो उन्हें पहले से दी जा सके। उसके अलावा जो कोई भी मतबाब मनी में से तलावत करना चाहता है आप भी अपने नाम जो है वो बाबा जी को दे दें ताकि वो पहले से आपके नाम लिखे जा सके। खुदा फरमाता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। हम ऐ खुदा हमारे खुदा हम तेरी पाप बख्श हासिल करके तुझसे इल्तमास करते हैं अता करके जितनी बार हम ये पाप इबादत अदा करते हैं उतनी बार हमें निजात का असर ज़्यादा पाता है। मुझे खुदा के वैसे हिस्से खुदा आपके साथ हो और कादर पुत्र खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब नाज़ हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी हमेशा खुशी और सलामती रहे। खुदा और खुदा आपका दिन आप सबको।